छत्तीसगढ़ सरकार के हरियर छत्तीसगढ़ अभियान के अंतर्गत बालकों ने कोरबा के अनेक स्थानों पर पौधारोपण कराए। जिला प्रशासन, पुलिस, अनेक धार्मिक सामाजिक संगठनों, स्कूलों और कोरबा प्रेस क्लब के सदस्यों ने बालकों के पौधारोपण अभियान में भागीदारी की। देखें ये रिपोर्ट। बालको प्रबंधन की ओर से आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम में कोरबा जिला पुलिस अधीक्षक श्री सुंदर राज पी, कोरबा प्रेस क्लब और बालको सेवानिवृत्त मैत्री संघ के अनेक पदाधिकारियों ने भागीदारी की। सुंदर राज पी ने कहा कि गांधी जयंती पर आयोजित पौधारोपण अभियान में भागीदारी कर उन्हें अत्यंत प्रसन्नता हुई। पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए बालको उत्कृष्ट कार्य कर रहा है। हरियर छत्तीसगढ़ जो योजना के अंतर्गत बालको द्वारा प्लांटेशन कैंपेन की जा रही है, लगातार एक हफ्ते का ये कैंपेन है। उसमें आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर हम लोग भी सभी पार्टिसिपेट करके, सभी शहर के सामान्य नागरिक सब लोग हम पार्टिसिपेट करके इस प्रोग्राम का आज प्लांटेशन वगैरह किए थे। ये काफ़ी खुश के विषय है क्योंकि जैसे पर्यावरण मेंटेनेंस के लिए, उसका जो प्रोटेक्शन के लिए बालको द्वारा काफ़ी अच्छा कदम उठाए जा रहे हैं, उसमें सभी नागरिकों का भी काफ़ी योगदान है। इस अभियान में एक पार्ट होने के लिए हम भी काफ़ी प्राउड फील करते और हमारे तरफ से शुभकामनाएं। ये योजना सफल होना चाहिए और सभी नागरिक लोग अपने तरफ से भी प्लांटेशन साथ बाद में इसका प्लांट्स का प्रोटेक्शन करने के लिए भी अपना अपना जो रिस्पांसिबिलिटी को महसूस करके उसके कार्य। बालको के अधिकारियों ने पुलिस अधीक्षक एवं अतिथियों को पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बालको संचालित अभियान की जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार और राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के सपनों के अनुरूप हरियर छत्तीसगढ़ अभियान संचालित है। कवर्धा मेन पार्ट और यहाँ भी 50,000 पौधे तो हम केवल रोड साइड में लगाए हुए थे पिछले साल, तो वो और पूरे जब डाटा हमारे पास अभी आया है अखबारों के जरिए जो लिया है हमने, और तो 360,000 में बाकी कोई इंडस्ट्री इतनी नहीं लगा पाई है। 360,000 अलग अलग जगह मिला के कंपाइल में। कोरबा जिला पुलिस अधीक्षक श्री सुंदर राजपी ने गांधी जयंती के दिन वेदांत ILNFS स्कूल का अवलोकन किया। बालको अधिकारी और ILNFS के प्रशिक्षकों ने पुलिस अधीक्षक को युवा स्वावलंबन की दिशा में स्किल स्कूल के योगदान से अवगत कराया। बालको के पौधारोपण अभियान में लैंस क्लब, आर्ट ऑफ लिविंग परिवार, वन विभाग, बालको सेवा समाज के अनेक पदाधिकारियों ने भागीदारी की। कोरबा प्रेस क्लब के अनेक सदस्यों ने बालको के अभियान में सक्रिय योगदान दिया। सभी ने बालको के आयोजन की दिल खोलकर तारीफ की। मैं समझता हूँ कि प्रदूषण जितना ज्यादा यहाँ कोरबा में है, उसका बचाव एकमात्र वृक्षारोपण ही है, जिसको बालको बहुत अच्छे ढंग से और वास्तविकता में, मतलब धरातल पर कार्य कर रही है वृक्षारोपण के मामले में। वेदांता द्वारा हरियर छत्तीसगढ़ कार्यक्रम के तहत वृक्षारोपण कराया जा रहा है। आदिकाल से यह परंपरा रही है कि सबसे परमार्थ का कार्य वृक्षारोपण को माना जाता है। हम विकास की दौड़ में, अंधी दौड़ में शामिल हैं, स्वाभाविक है, से वृक्षों पर भी असर पड़ रहा है। वृक्षारोपित करके कहीं न कहीं हम अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं और ऐसे पुनीत कार्य में हर व्यक्ति को अपनी तरफ से सहयोग करना चाहिए। तो बालको प्रबंधन तंत्र की ये प्रशंसनीय पहल है और उनको चाहिए कि इस तरह से लोगों को प्रेरित करके स्वयं उनको इतना वो कर दें, उत्साहित कर दें कि वो स्वयं आकर के यहाँ वृक्ष को लगाए और वृक्ष के महत्व को समझें। हरियर छत्तीसगढ़ अभियान के तहत यहाँ पर वृक्षारोपण कराया जा रहा है। ये कार्य बहुत ही
प्रशंसनीय है, स्तुत्य है और बालकों के इस कार्य से बाकी लोगों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए और इस अभियान में एकजुट होकर साथ देना चाहिए।